और तैयार हो जाओ मेरे इस साल के सबसे तेज हॉर्स, मतलब 1.5 सेकंड से भी कम में 4 बंद खत्म मेरे भाई, बिल्कुल खल्लास। अब देखो तो भाई लोग कैसे हो, तो यार वेलकम दी बैक बैक वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू बजवी के प्रेरणा पे, जहाँ पे तुम्हारा भाई करता है अपनी जिंदगी का सबसे फास्टेस्ट स्क्वाड वाइप। हाँ मैंने एक बार पहले भी किया था, लेकिन ये इस साल का मेरे ख्याल से फास्टेस्ट होगा, क्योंकि इससे तेज स्क्वाड वाइप है मेरे ताऊ जी गुरुजा से, ना 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 इससे तेज ना होता। खैर फिलहाल तो देखो यहाँ पे उतरता हूँ, और अपन लोग 4 बैन खेल रहे हैं, क्योंकि यार ये सीजन खत्म होने वाला है। मैं सोच रहा था जितने ज्यादा किल हो उतने दबा ही लेते हैं फिलहाल के लिए। और गाइस क्या आपको पता है एप्पल का मैकबुक एयर 2 लॉन्च हो चुका है, और वो आपको मैं दिला सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। आप मेरे को पता है तुम चौंक गए होगे कि क्या, सीधे बताता हूँ, वीडियो आगे देखते रहो। अब हर तरफ बंदे, बचाक सेट के एक को अंदर नॉक दिया, ये देखो भैया बैठ के डब्बे खोल रहे हैं। अब एक बाहर आया, ये अरे नल्ले क्या गुंडा बनेगा तू, हाँ सोच रहा है बाहर से घूम के आएगा तो पहल देगा, इसके भी डंड देता हूँ। और गाइस देखो ग्रोजा से जो ही स्क्वाड वाइप होगी मतलब मजा आ जाएगा, और उसके बाद जो पेटी बनती है 4 पेटी जो एक साथ दिखेगी ना, तो बोलोगे ये दिल खुश हो गया, मजाक सेट के दिल खुश हो गया बोलोगे, तो भैया मजा आ गया, सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर अंदर तक घुस गई है, बिल्कुल मजा आ जाएगा देख के, बहुत ही बेहतरीन। खैर फिलहाल के लिए तो गुरुजा मिली नहीं है मेरे को फिलहाल, इसको दिया है डंडा, और ये पता नहीं कहाँ भाग रहा होता है, पकड़ लिया पूरा, पेटी इसकी पैक हो गई, टेंशन की बात नहीं यार पेटी पैक हो जाएगी। अभी कोई और भी इधर M249 चला रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से तो यहां से चला रहे थे भाई, चलो टाइम पे पता चल गया, और ये करे इसकी पेटी पे, अरे टाइम ही लगाता तुम्हारा भाई, पेटी डाल दो एकदम 10 किल मात्र मात्र। देखो आजकल मैं ये चीज देख रहा हूँ, यहाँ पे यार जहाँ पे हम लोग उतरते हैं वहां पे बिल्कुल जहर किल नहीं मिल रहे, समझ रहे हो, 20-25 किल ऐसा मिल नहीं रहा है। कह रहा है यहाँ पे एक आध नल्ला बैठा था, उनको पकड़ता हूँ मैं, वो हटाओ। अब ग्रोजा हाथ में थी, पहली बार चला रहा हूँ मैं इसको। तो गाइस आप बात कर लेते हैं कैसे आप मैकबुक एयर M2 जीत सकते हो, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। यस बचा सेट के डाउनलोड करो माई परफेक्ट 11 ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, और टीम बनाओ इंडिया वर्सेज नीदरलैंड के वर्ल्ड कप वार्म अप मैच के लिए, ज्वाइन करो गिवअवे कंटेस्ट ताकि आप जीत सको मैकबुक एयर M2, और इस कंटेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए है। याद रखना ये कंटेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप वार्म अप मैच के लिए वैलिड है, तो हाँ इंतजार बिल्कुल मत करना, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और गाइस एक बात बताता हूँ, किसी को बताना मत, ये ऐप रिलेटिवली न्यू है, तो यहाँ पे जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हद से ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस चीज को मिस बिल्कुल भी मत करना। साथ ही साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 100 रुपए का तो लॉगिन बोनस ही मिल जाएगा, यानी कि आप वो यूज करके टीम बना सकते हो और भी पैसे जीत सकते हो, दिक्कत कहां पे आ रही है यार, वैसे भी क्रिकेट तो सबको पसंद ही होगा, अरे तो टीम बना के खेलो। तो हाँ गाइस इस चीज को मिस आउट बिल्कुल मत करना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप में, डाउनलोड करो माई परफेक्ट 11 ऐप को, गिवअवे कंटेस्ट ज्वाइन करो और टीम बनाओ इंडिया वर्सेज नीदरलैंड मैच के लिए, अभी डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस मैच में पहली बार, अब तू किस्मत देखो, ये कूदा मैं नीचे जाता हूं, ये नल बेशरम उड़ के भाग गया, नल्ला कहीं का नीचे कूदता है उड़ता है और गायब हो गया। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, मैं भी उड़ के पहन लेता हूँ, मेरा कद्दू पेटता उड़ के, यहाँ पे कोई नीचे ही बैठ रखा था, नल्ले ने मेरे UMP डाल दिया, रे क्या बेसर भी करते हो आप, ऐसे बैठे रहते हो कैंपिंग करके, ये क्या बात हो गई। क्या कोई बात नहीं, देखो 12 किल थे मेरे ठीक ठाक, इट इज नॉट इवन बैट माय बॉयज, 12 किल करके चल लेता वहां से मैं। एक खास बंदे देखो अब यही चल रहा है इस मैच में, बंदे ज्यादा नहीं मिले, मतलब आखिर में जाके ज्यादा मिलते, लेकिन शुरुआत में माहौल बिल्कुल ही खाली भाई, किल के नाम पे कद्दू कुछ नहीं, घूमे जा रहा हूँ नल्लों की तरह। अब ये ग्रोजा डैमेज है काफी, और एक आखिरकार इसको फटका पड़ ही जाता है, और आखिरकार ये नॉक हो जाता है, इसकी पेटी में पैक करता हूँ और अब चलेंगे असली फाइट पे, अब होगी फाइट।
अब आएगा ग्रोजा का असली इस्तेमाल। नहीं अभी सुपॉर्ट वाइप थोड़ा सा आगे है, लेकिन फाइट खतरनाक होगी। यहां से देखो मैं धैर्य बैठ लूट उठाता हूँ, ये हम लोग गाड़ी बदलते हैं और वहां से देखो दूर से कहीं से कुछ गाड़ी आते हुए दिखती है, प्लस एक बॉट भी दिखाता। तो पहले बॉट को पहला जाए गड्डी देखते रहे कि बॉट बॉट भाग जाते इनको पकड़ो। एक बॉट गया लेकिन बंदे बंदे ही बैठे। अब यहाँ पे देख रहे हो किल का प्यासा अगर तुम हो तो कहाँ कहाँ रस करना पड़ता है, वाटर सिटी रस कर रहा हूँ बैठ के। डैमेज दिया था लेकिन ये झाड़ी पेड़ इस पेड़ पत्तों से मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, इन पेड़ को काट दिया था यहाँ से। उतरता हूँ एक गया, अब है आगे आगे घर पे तीन तीन पकड़ लिए सीता इसकी पेटी पैक। एक और पेटी और ये पूरी टीम चली गई। अब यहाँ पे एक बॉट पहलता हुआ उतरे पता चलता है वो जो टावर है अपने एक बंदे की पेटी डल चुकी है, उस टावर पे कोई कैप करके बैठा। ये देखो अरे नल्ले अभी आऊंगा मैं फटका दे के जाऊंगा, टेंशन मतलब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे बदला देंगे पूरा। तो करना ज्यादा देखो यार ठीक है मतलब टावर पे माहौल है बंदा बैठा है कोई बात नहीं, अरे पहले के रोजा है तुम्हारे भाई पे। लेकिन मेरे को क्या पता था इसने मेरे से भी मोटा हथियार पहना है, मेरे को क्या पता था पहना मतलब पकड़ा है, यस मेरे से भी मोटा हथियार इसने हाथ पे रख रखा है पकड़ रखा है। देखो देखो कौन सा हथियार है, बहुत बंदे बहुत बंदे इसके। अब यहाँ पे देखो इसकी पेटी पैक करी है, कैंपर कहेगा इसको पकड़ता हूँ मैं, और हमारे भाई जिनकी पेटी इसने डाली थी वो चल रही है यस नायब। पता चलता है वहां पे बहुत बंदे मतलब ऐसा बताया जा रहा है मेरे को कि बहुत बंदे ज्यादा किल ही किल है, 70-80 किल तेरे यहीं पे हो जाएंगे। लेकिन अब जाके ही पता चलेगा क्या होगा। अब करना ज्यादा देखो सीधा गड्डी में बैठता हूँ चल दिया यस नायक के लिए, जाना तो पड़ेगा यार बंदे यार जाना तो पड़ेगा मेरे को। और सारी फाइटें लगभग आस पास एरिया पे होती है लेकिन आगे आगे फाइट ना बेहतरीन होती जाती है, मजा आ जाएगा। 50 किल ऐसी थोड़ी हो जाती है, इसमें लड़ाई होगी। और ये क्या है ये गाड़ी, ये गाड़ी का आगे का हिस्सा खड़ा क्यों हो गया। अब एक हाथ को तो मैं पकड़ चुका हूं, एक नल्ला भाग जाता है इसके अंदर, बहुत सारे बंदे तो नहीं लेकिन दो बंदे तो दिख ही चुके थे। और इसको पकड़ता हुआ अच्छा हुआ ऊपर नहीं गया, नहीं तो भैया भागो ऊपर ये कैंपिंग लगाएगा फिर भाग दो, अरे बहुत परेशानी हो जाए मैं आग से हट के परेशानी हो जाए। खैर कोई बात नहीं फिलहाल के लिए मामला सही है, सिस्टम इज सेट। 30 किल 28 बंदा लाइफ ठीक ही है मामला, मतलब ज्यादा बंदे अलाइव नहीं है। लेकिन यार शुरुआत में अगर किल मिली होती ना पता नहीं क्यों शुरुआत में मिलती नहीं किल, पता नहीं क्या नलबाजी है गाइस शुरुआत में नहीं मिलती किल। लेकिन आज जो मिल रही है उसी से काम चलाएंगे, मैं चलता हूँ गड्डी लेके रस करने। उड़ गया बे शरम, लेकिन इस बंदे की ना की इसका साथ छोड़ जाती है, इसने सोचा होगा लंबा उड़ के जाएगा बिल्कुल सवारी करेगा पहुंच जाएगा दूसरी दुनिया पे, लेकिन इसकी की यही खत्म हो जाती है, इसकी लैंडिंग यही हो जाती है। मैंने बोला बेटा उड़न बाजी कहीं और करना, लॉबी जाओ दूसरा बैच लगाओ उस पर करना उड़ बाजी, यहाँ पे ना हो पाएगा तुमसे। खैर इसी के साथ वापिस से गाड़ी लेके चल दिए, किसी ने असल में यार शिरोन भी बुला रखा था, बहुत पहले बुला रखा था लेकिन यार मैं पहले यसनाया चल दिया। खैर कोई बात नहीं अब अभी देख लेते हैं कौन कौन है। अब यहाँ पे सीन ऐसा फंसता है बहुत बुरा फंसने वाले हम यहाँ पे, मजाक से हटके गाड़ी रोक दी जाएगी गलत जगह। अब ये कुछ ज्यादा ही जहरीले हो रहे, ये कंटेनर के ऊपर चढ़ गया, ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। लेकिन ये गाड़ी कहाँ रुकती है देखो, उतर उतर खत्म था सीन। बाल बाल बचा हूं, ये ऊपर कैंप कर रहा था। अब यहाँ पे देखो किल लेने की पूरी कोशिश है, यहाँ पे एक बंदा है किल चोरी, मजाक से हट के एक बेशरम बंदा BSS चला के किल चोरी करके, मैं इसकी तो बहस का मैं क्या ही बताऊं पूरी जान लगा दी लेकिन उसके बावजूद किल चोरी हो गया। अरे
ये बेटा इसकी पेटी धरता हूं मैं इधर पे, फटाक से लूट उठाता हूं, और ये बीएसएस वाले को पकड़ो, ये बेशरम, इसको ना इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको दंड मिलनी चाहिए, दंड और डंडा दोनों दिया जाए इसके, ये लिट्टा है शरम यहाँ, ये देखो। अब बेटा ये एक काम करो, दूध पी के आना अगले मैच पे, क्योंकि बीएसएस का रिकॉइल तो कब है, बीएसएस चला ले रहे भाई, थोड़ा सा भारी हैवी मोटी थिक गन के लिए तुमको बेटा दूध की जरूरत है, ये छुपन छुपाई वाले ये गन तो तुम चला लोगे, दूध पी गया अगले मैच में तब चला रहा मोटी गन ने, नल्ला गाय का चोरी कर गया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं घूम रहा था, यहाँ पे भी है, ठीक ठाक है, आखिर क्या इसकी पेटी भी धर देते हैं, आखिरकार हो चुके थे 36 किल। अब देखो, अब देखना यह है बंदे का है, बाकी ठीक ठाक किले यार, अगर मैं 20 भी मार दूं 56 किल हो जाएगी, अगर मैं 20 के 20 बंद मार दूं, लेकिन 20 के 20 बंद अलाइव ही नहीं है, 19 ही बंदे अलाइव है साला। और ये देखो पहला शूट से अंदे आ चुके हैं, ऊपर उतर रहे गाड़ी के शोरूम से, दो दो आ गए मेरे वाला, यार जानना पड़ेगा भाई, नहीं ये बहुत हो गया, जानना पड़ेगा, मैं उड़ के चल दिया। ए दिक्कत लेने की बात नहीं है, दिक्कत बस यहाँ आती है, मैं पहुँचने वाला था, गलती से गलत जगह पे लैंड लगा, तो इट इज़ ओके, जो भी हुआ ठीक के लिए हुआ। यहाँ पे देखो मैं उड़ता हूँ, साइड से जाता हूँ बिल्कुल, और जब तक ये मेरे टीममेट लोग पे गोली चलाते हैं, मैं धर देता हूँ इनके पीछे से ग्रोजा, और अब तैयार हो जाओ ऐसे स्क्वाड वाइप के लिए, बिल्कुल 1.5 सेकंड में से कम में 4 बंदे वाइप, वो एक्सेप्ट के ग्रोजा का इस साल का सबसे बेहतरीन स्क्वाड वाइप मेरा वह आ जाएगा। ये पेटी देखो, मैं आ गया देखा जाए इसका, बूम सीधा 4 किला, और ये जब धुआं उड़ता ना मजाक सेट के, दिल पे ऐसा सुकून चैन आ गया था ना, मैं क्या बताऊं, मैं आ गया था, लेकिन उसके बाद खून चैन मेरा उड़ जाता है, क्योंकि ये नल्ले आपस में लड़ाई लड़ लेते और मेरी किल कब हो जाती है, आपस में मत लड़ो भाईचारा से करो, मेरे को मारो, यस आपस में मत लड़ो, ना आपस में मत लड़ो, भाईचारे के साथ खेलो, क्या है आपस में लड़ना, ना लड़ो मेरे को, यस मेरे पे निकालो भड़ास, ताकि मैं किल ले सकूं और ज्यादा किल कर सकूं, लेकिन आपस में मत लड़ो, लेकिन ये नल्ले आपस में ही लड़ते हैं, क्या करूं, मारो दिया एक के फटका। अभी यहाँ पे ये भी कतई लैग हो जाता, लेकिन इट इज फॉर माय आईज, इट इज ऑलराइट, 44 किल हो चुके थे, कुछ बंदे लड़के आपस में ठिल चुके थे गाइस यहाँ तक, लेकिन अब क्या ही किया जाए, जो है सो है, जो बंदे बचे हैं उनको पेल के ही मजे मार लेता हूँ, और क्या ही कर सकता हूँ मैं, तो ऐसे हम लोग ऐसे भटक रहे होते, पक्का यही आसना है कि आसपास बैठे, पक्का पक्का ये सोच के आता हूँ मैं, और ये देखो थोड़ा सा डैमेज दिया, थोड़ा सा, और ये देखो तीन फुप्पे, पेटियां खतरनाक बन रही है, 3 फूल की पेटी एक साथ डाल दी, उसके बाद वो पीछे क्या बड़ा था, ग्रोजा, 4 ग्रोजा की पेटी एक साथ, एक मतलब एक जगह पे अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्लावर ही बन जाता है, मजा आ जाता है देख के। और गाइस ये है पिछली बार के गिव अवे विनर्स, और तुम्हारा भाई इस बार भी 2 रॉयल पास का गिव अवे कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करो माय परफेक्ट 11, स्क्रीनशॉट लो और मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दो, बस इतना ही करना है, वहां से मैं रैंडमली 2 लोगों को चुन के रॉयल पास दे दूंगा और विनर्स वही अनाउंस कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड करो। लेकिन यहाँ पे थर्ड पैड में लूट उठाता हूँ, गोलियों की थोड़ी कमी थी, पता नहीं ग्रोजा की गोली, जब भी मैं ग्रोजा से खेलता यार हमेशा कम पड़ते गोली, हमेशा पता नहीं क्या सीन है, कभी ऐसा दिन नहीं रहा हो कि यार देखो मैं अच्छा ग्रोजा है ज्यादा गोली है, कभी नहीं, आज तक नहीं गया ऐसा दिन। खैर बेटा यहाँ पे एक बंदा और था, शायद से स्नाइपर चला रहा था वो, हम लोग उसी को ढूंढ रहे होते, अब कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गया उसे ढूंढो चल रहा है, इधर बहती जमीन सा था वो, पता नहीं कहाँ बैठ गया नल्ला, ये बड़ा इस मोटे थिक पेड़ के पीछे बैठा था, लेकिन ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं, ज्यादा टाइम नहीं बैठ पाएगा, देता हूँ डंड 48 किल, इट इज फाइन 48, अब बंदे बचे 3, 51 किल हो सकते थे, मामला ठीक था, दिक्कत की बात थी नहीं मेरे भाई, लेकिन एक किल और कम हो गई,
यस दर्द होता है बहुत, ये देख के दिल पे दर्द उठता है गाइस, लेकिन अब क्या किया जाए। खैर हम ऐसे घूम रहे होते हैं अलग अलग लगभग लगभग अलग अलग दो अलग हिस्सों में। मेरे टीममेट को वहां पे कोई उड़ता दिखता है। मैंने बोला यार उड़ते हुए क्या कोई छत पे कैंपिंग कर रहा है, पता नहीं। तो हाँ करना क्या था, अब चेक करने जाना तो पड़ेगा, तो मैं यही करता हूँ, चेक करने के लिए जा ही रहा होता हूँ। उतने में ही देखो, कुछ उड़ता हुआ देखा तो बोला हाँ ना वही ना, बोला भाई भाई अबे यार। बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे नल्ला M24 कौन चला रहा है मेरे ताऊ? M24 किसने मारी ये बताओ मेरे को। ये सब ठीक है, MG चली ठीक है, किलोगे कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये M24 कौन चला रहा है यहाँ क्लोज रेंज पे? क्या क्या कोई जहर है? कमरे में दरवाजे पे ब्यूटी पीली है। अब यहाँ पे देखो, ये राइट कमरे पे दरवाजे पे, दरवाजे के पीछे टिक। अब यहाँ पे दो बंदे दरवाजे के पीछे। मैंने बोला यार दरवाजे के पीछे क्या है पता नहीं, कुछ लेकिन देख रहे हो तैयारी कैंपिंग की पूरी थी बिल्कुल। बॉर्नविटा कहते हैं ना, बॉर्नविटा तैयारी जीत की, मेरा कद्दू जीत। ये नल्ले दुद्दू पीते हैं, उसके बाद ये तैयारी कैंपिंग की करते हैं, मेरा कद्दू जीत की तैयारी। ये कैंपिंग की तैयारी फुल हो सुबह से साफ कैंपिंग कैंपिंग कैंपिंग। खैर कोई बात नहीं, इट इज फाइन भाई गाइस, 50 तो है कम से कम। क्या आज के जोड़ा होता है गाइस, कैसा लगा तुम्हें मेरा ये धैड़ फैड़ फट से पहले सुखवाड़ भाई बता रहा मेरे को। मेरे को तो देखो मैंने क्या कहता था, देख के मतलब बढ़िया था, एक्सेप्ट के बढ़िया था। उसके बाद वो चार पेटी से धुआं उठता है, मजा ही आ गया था। और गाइस जाते जाते डाउनलोड करना मत भूलना माय परफेक्ट 11 ऐप, ताकि आप भी गिवअवे कंटेस्ट जीत सको, साथ ही साथ जीत सको और भी ज्यादा कैश प्राइजेस। तो अभी डाउनलोड करो माय परफेक्ट 11 को, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाओ। खैर क्या मिलते हैं, लाइक ठोकते जाना, बाय बाय।